झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र के नवगठित पोंख नगर पालिका बोर्ड का ग्रामीणों द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान जोहर कंवर द्वारा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि उदयपुर वाटी प्रधान लोकेश कंवर तथा जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह शेखावत रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर और माँ भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में नवगठित पालिका अध्यक्ष कोमल शेरावत, उपाध्यक्ष भीवा राम सिलोलिया, पार्षदों एवं अतिथियों का ग्रामीणों द्वारा शाफा माला एवं शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर भव्य अभिनंदन किया। कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त नगर पालिका चेयरमैन शेरावत को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर एवं गुलदस्ता भेंट कर भव्य अभिनंदन किया। पहले आप इसी पंचायत की प्रथम महिला सरपंच होने का गौरव प्राप्त किया है और आज नगर पालिका बोर्ड पोंख की चेयरमैन होने का गौरव भी आपने प्राप्त किया है, इस खुशी के लक्षणों में आपका क्या कहना है? आज बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि पहले मैं इसी पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़के सरपंच पद पर पहुँचे थे। यहाँ मुझे 2606 वोट मिले थे, 746 से मेरी जीत हुई थी और ये मतलब मेरी सबसे सभी सरपंचों में सबसे कम उम्र की सरपंच थी मैं राजस्थान में। अभी नगर पालिका ग्राम पंचायत पोंख और नगर पालिका ने गठित कर दिया है तो अभी नवसर्जित नगर पालिका के चेयरमैन का पद मुझे मिला है। पहले सरपंच कार्यकाल में जैसे मैंने मांग पिछले कार्यकाल को यहाँ तक लेकर आई हूँ, आगे भी मैं चेयरमैन पद पर भी दोनों पंचायतों में समान रूप से कार्य करूँगी और सभी पार्षदों के साथ विकास के कार्य करूँगी। आज ये जो शपथ ग्रहण समारोह है आयोजित किया गया है पोंख नगर पालिका में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज नवगठित नगर पालिका पोंख का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह था। क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, वयोवृद्ध प्रातस्मरणीय अभिनंदनीय वंदनीय आदरणीय भावसा जोर कंवर जी भी इस कार्यक्रम की अध्यक्ष बनी। आज बड़ा अच्छा लगा कि इस पोंख की प्रथम महिला बहन कोमलजी शेरावत बनी है। पूरे गांव का जोश और खरोश देखकर लगता था कि पोंख का भाईचारा वाकई देखने लायक है। इसमें पोंख और गुड़ा दोनों शामिल हुए हैं। गुड़ा के सरपंच साहब को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, मैं भीम जी को और कोमल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और समस्त जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोमल जी ने एक सरपंच रहते हुए बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है हमारी पंचायत समिति में, वो नगर पालिका में बहुत ईमानदारी से काम करेगी ऐसा मेरा सोचना है। मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और पूरी जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनको आशीर्वाद और उनको सहयोग प्रदान करना।